मॉर्निंग, माय नेम इज़ कनिका और आज मैं ब्लैक फूड चैलेंज करने वाली हूँ। आपने मेरा अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैंने रेड फूड चैलेंज करा था एंड दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी, लेकिन आज ब्लैक फूड चैलेंज मेरे को लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आई जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। अभी 9:30 हो रहे हैं, मैं यूजुअली अपना ब्रेकफास्ट जो है वो 11 o'clock करती हूँ या फिर करती ही नहीं हूँ, लेकिन अभी 9:30 हो रहे हैं तो आई विल बी जस्ट हैविंग माई ब्लैक कॉफ़ी। मैं या तो लेमन वाटर लेती हूँ या फिर ब्लैक कॉफ़ी लेती हूँ। तो टुडे आई विल बी टेकिंग ब्लैक कॉफ़ी एंड आई विल शो यू हाउ आई मेक माई ब्लैक कॉफ़ी नाउ। मैं यूजुअली वैसे ब्लैक कॉफ़ी के लिए केटल यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे कन्वीनियंट ज़्यादा लगता है, दूसरा मुझे लगता है कि कोई बर्तन वेस्ट नहीं हो रहा है। ब्लैक कॉफ़ी की आदत मुझे लास्ट 1 year से ही हुई है, अदरवाइज़ पहले मेरे को नहीं पता था कि मैं ब्लैक कॉफ़ी पी भी सकती हूँ। बट जब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा, मैंने पढ़ा इसके बारे में कि ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए भी और वैसे भी। ऑब्वियसली कैफ़ीन आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह ब्लैक कॉफ़ी ले लेंगे ना, इससे आपको पूरे दिन बहुत एनर्जेटिक लगेगा। आई थिंक जितना मेरे को गर्म चाहिए होता है उतना हो चुका है। नाउ आई विल जस्ट पोर इट। आप चाहें तो अपने ब्लैक कॉफ़ी में आप शुगर ऐड कर लो अगर आप करना चाहते हो। मैं यूजुअली प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि मैं वैसे ही पूरे दिन में काफ़ी शुगर ले लेती हूँ चॉकलेट्स के थ्रू, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जब नीड नहीं है तब मैं ना ही करूँ। ब्लैक कॉफ़ी के साथ एक चीज़ है कि शुरू में अगर आप ट्राई करेंगे ना इसको पीना तो बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है। लाइक 1 year बैक जब मैंने फर्स्ट टाइम पिया था तो आई वॉज लाइक कि यार ये नहीं पिया जाएगा, लेकिन अब आप ये देख लो कि ये पूरा मग मैं पी लेती हूँ बहुत आसानी से और पूरे दिन में सही चलती हूँ। अभी आज एक्चुअली भी मेरे को बहुत काम है, मुझे बाहर भी जाना है, मुझे वीडियो भी शूट करना है और काफ़ी सारी चीज़ें, और आज मैं सुबह उठने के साथ से बहुत ज़्यादा डाउन हूँ। मतलब अभी मैं नहा चुकी हूँ लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा डाउन अभी दिख रही होंगी। नॉर्मली मैं वीडियोज़ में इतनी डाउन होती नहीं हूँ। ये बहुत ना आपकी एनर्जी को बूस्टअप कर देती है एंड दैट्स फॉर श्योर। मतलब मैंने मेरे केस में तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को एनर्जी देती है। अभी हाफ एन आवर में फिर अब मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगी। आज मैं स्पेशली कुछ डिफरेंट बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में, वो मैंने कभी ब्रेकफास्ट में नहीं खाया है। यूजुअली वैसे कोई भी उसको ब्रेकफास्ट में नहीं खाता है, बट सिंस आज ब्लैक फूड चैलेंज है तो अब मुझे कुछ तो बनाना था, तो मैंने सोचा जो भी बनाऊंगी वो बनाऊंगी जो मुझे पसंद है, रादर दैन के कुछ भी वो खाना जो मुझे पसंद नहीं है। फॉर द सेक ऑफ द चैलेंज आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। आज पूरे दिन मैं वो खाऊंगी जो मुझे पसंद है, लेकिन हाँ वो ब्लैक फूड। नाउ आई एंजॉय माई कॉफ़ी और मैं आपको बाद में लाइक ब्रेकफास्ट में दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। सुबह आप ये देखो वेदर भी कितना अच्छा है। नॉर्मली दिल्ली में इस तरीके का मौसम देखना ना आसान नहीं होता। आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, लेकिन फाइनली अब इतनी अच्छी धूप है। मेरा घर कैसे सेकंड फ्लोर पर है तो काफ़ी अच्छा ग्रीनरी दिखता है मेरे घर से। थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। आई होप आज बारिश हो जाए तो थोड़ा मौसम और खुल जाएगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट और बस अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। फॉर ब्रेकफास्ट आई एम गोइंग टू हैव नूडल्स। मैंने सोचा ये वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इन एनी केस इस समय 11:10 हो रहे हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक दिस चिंग्स सीक्रेट वेज हक्का नूडल्स। मैंने सिर्फ अनियन चॉप करके रखा हुआ है क्योंकि इन एनी केस मैं कोई और वेजिटेबल इसमें यूज़ नहीं कर सकती हूँ। अनियन जो है वो तो सोया सॉस का कलर ले लेंगे, बट कैप्सिकम और कोई और कलर अगर मैं यूज़ करूँगी, कोई भी वेजिटेबल मैं यूज़ करूँगी तो नहीं चलेगा। तो बस अब मैं नूडल्स को बॉईल कर लूँगी। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम जब मैंने ब्रेकफास्ट में नूडल्स खाने होंगे, अदरवाइज मैंने ब्रेकफास्ट में कभी भी नूडल्स नहीं खाए हैं।
तो मेरे नूडल्स तो प्रिपेयर हो गए हैं, आपने देखा मैंने अभी आपको दिखाया कैसे बनाया मैंने. मैंने बहुत बेसिक तरीके से बनाया है क्योंकि मुझे इसको ब्लैक दे लाइक कलर देना था. मैंने कोई वेजीज नहीं डाली हैं इसमें, लेकिन स्टिल इट टेस्ट यमी क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्पाइसी बनाया है, लव स्पाइसी फूड. और मैंने सोया मिल्क ले रही हूँ मैं इसके साथ, थोड़ा सा चॉकलेट सोया मिल्क है, मैं यूजुअली यही लेती हूँ. इट्स रियली नाइस, बहुत अच्छा होता है ये, तो मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं. नाउ आई विल एंजॉय माय नॉट ब्रेकफास्ट एक्चुअली, मैं अपना ब्रंच एंजॉय करती हूँ एंड देन आपको लंच में दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया. दिस इज़ रियली रियली यमी. रेड फूड चैलेंज की तरह नहीं हुआ कि मैं वहाँ पर सुबह से शाम तक भूखी थी. आई एम रियली एंजॉइंग दिस. लंच के लिए मैंने बेसिक दाल चावल बनाए हैं. मैंने ब्लैक दाल बनाई है, काली मसूर की दाल बनाई है. आई लव दिस दाल. और इन एनी केस मेरा ब्रेकफास्ट आज थोड़ा सा हैवी हो गया, नूडल्स खाए थे मैंने, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी दाल बनाई है ब्लैक. और मैं इसको वाइट राइस के साथ खाने वाली हूँ, तो इन एनी केस राइस का कलर ब्लैक दाल के साथ मिक्सअप हो जाएगा. तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सम राइस. तो दिस इज़ माय लंच जो मैं इंजॉय करने वाली हूँ. मैं पहले खाने से पहले यूजुअली एक ग्लास पानी पी लेती हूँ, उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम खाया जाता है. एंड आई लव ब्लैक दाल, तो मैं आज इसको अभी इसको इंजॉय करती हूँ. और मैंने एक्चुअली अभी चॉकलेट आइसक्रीम ऑर्डर करी है, तो आई थिंक हाफ एन आवर में आ जाएगी. तो अगर मैं वो अभी खाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, या हो सकता है मैं डिनर के बाद खाऊं तो मैं आपको वो दिखाऊंगी. तो लंच तो मेरा ख़त्म हो गया है, मैंने खा लिया है और मेरा आइसक्रीम भी आ गया है. आई एम थिंकिंग कि आइसक्रीम का ना मैंने वो 2 scoops मंगाया था, मैंने ज्ञानी से आइसक्रीम मंगाया है, मुझे ज्ञानी की आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है. एक्चुअली फ्रैंकली बताऊँ तो मेरा मैगनम खाने का मन था, लेकिन मैगनम उनके पास आज थी नहीं, तो मुझे आज इस वाली आइसक्रीम से काम चलाना पड़ेगा. बट इन एनी केस आइसक्रीम तो अच्छी होती है एंड चॉकलेट आइसक्रीम इज लाइक माई फेवरेट. आई लव चॉकलेट आइसक्रीम, दिस इज सो यम. Actually, this is brownie chocolate ice cream. It has a chunks of brownie in it. You can see. ये brownie है. This is so yum, so yum. I'll just enjoy it. And I'll tell you कि मैंने शाम को क्या खाया, मैंने रात को क्या खाया. Now I'll just enjoy it. This is so, so, so delicious. So guys, this is going to be my last meal of the day. अभी dinner time हो गया है. मैं normally 6:30 तक खा लेती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा late हो गया. It's around 7:30 right now. And मैंने ये चना, ब्लैक चना सैलड बनाया है. इसके अंदर मैंने कुछ नहीं ज़्यादा डाला, सिर्फ नमक डाला है, रेड चिली डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है और नींबू डाला है. दैट्स इट. आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है खाने में. और अगर इसके बाद मुझे भूख लगी तो आई हैव माई आइसक्रीम विद मी, थोड़ा सा दिन में बचा था, तो आई विल बी जस्ट हैविंग दैट. दैट्स इट. अगर मैं अभी आइसक्रीम खाऊंगी तो आई विल जस्ट शेयर दैट विद यू. अदरवाइज आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस सैलड. आई रियली लाइक दिस सैलड, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सैलड. अच्छा बनता है ये, बट ऑब्वियसली इट इज़ वेरी लाइट. आई एम सॉरी, आई एम ईटिंग एंड टॉकिंग. तो दैट्स इट. अगर अभी मैं कुछ खाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ. अदरवाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मेरा एक्चुअल में डिनर हो गया था, अब इट इज़ अराउंड 10:30 और मुझे बहुत भूख लगने लग गई थी. तो मेरे को ब्लैक में तो कुछ समझ में नहीं आया, जो मैंने पूरे दिन में खाया मेरा वो खाने का मन नहीं था. लेकिन मैंने फिर से आइसक्रीम ऑर्डर करी थी, मैं खा चुकी हूँ थोड़ी सी. और ये जो है ये चॉको चिप आइसक्रीम है,
जो दिन में मैंने खाई थी दैट वॉज चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम एंड दिस इज चोको ब्राउनी एंड काफ़ी ज़्यादा सही है। ये भी ज्ञानी की है, मेरे एक्चुअली घर के पास ज्ञानी ही है, बास्किन रॉबिन्स वगैरह यहाँ पे डिलीवरी नहीं करते हैं। मुझे वैसे भी पर्सनली ज्ञानी की आइसक्रीम लाइक पसंद है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव दिस। आई थॉट कि मैं जब प्रॉपर फूड चैलेंज कर रही हूँ तो आपको लाइक सोने से पहले तक का दिखाऊँ, आई डोंट वॉन्ट टू लीव दिस। दो मैं आधी खा चुकी हूँ ये, तो मैं स्पेशली ये आपको दिखाने के लिए मैंने कैमरा ऑन करा है, तो आई जस्ट एंजॉय माई आइसक्रीम नाउ। आई एम सॉरी एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई एफर्ट एंड इफ यू लाइक दिस फूड चैलेंज। और अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और फूड चैलेंज बनाऊँ तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू, बाय बाय।